रीवा के जय स्तंभ पर मैं आपको बताऊं, जय स्तंभ या यूं कहा जाए रीवा का प्रवेश द्वार, यहां पर जिस तरीके से पुलिस विभाग का यातायात का अमला चेकिंग कर रहा है, आने जाने वालों पर लगातार नज़र रख रहा है, कोरोना के पेशेंट जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों का आना जाना यहां पर कतई कम नहीं हो रहा। हमारे साथ यहां पर यातायात विभाग के शुभम जी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे सुबह से जिस तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं, इस लगातार लोगों को समझाइश दे रहे हैं, उनके चालान भी कर रहे हैं। अभी तक सर आपने कितने लोगों का चालान किया और क्या समझाइश दे रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि लोग मान रहे हैं क्यों नहीं मान रहे? जैसा कि श्रीमान SP महोदय साहब का आदेश है कि जो भी व्यक्ति लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, बिना मास्क के चल रहे हैं, बिना हेलमेट के चल रहे हैं, ऐसे लोगों पर कतई पूरी तरीके से कार्रवाई किया जाए, ताकि इस जो समय जो चल रहा है, संकट का समय है, इस पर नियंत्रण किया जा सके। अभी तक मेरे द्वारा लगभग 20 चालान और लगभग 10 और लगभग 30 चालान किए जा चुके हैं, जिसमें मेनली उन लोगों पर फोकस किया जा रहा है जो अनावश्यक रूप से घूमते हुए मिले हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि चालान के द्वारा बहुत सारा नियंत्रण हुआ है, ताकि लोग मानने को तैयार नहीं है कि लॉकडाउन है, जब तक इनके ऊपर नियंत्रण न रखा जाए, चालानी कार्रवाई न की जाए, तब तक ये लोग कानून का उल्लंघन करते हैं। यातायात विभाग के सुगम जी का साफ तौर से कहना, लोग मानने के लिए तैयार नहीं, मजबूरी में चालानी कार्रवाई की जा रही, समझाइश का असर रीवा वालों को नहीं हो रहा। शुक्रवार को 20 पेशेंट, शनिवार की अभी तक 15 पेशेंट, माना जा सकता है रीवा काफ़ी डेंजर जोन में है। हम आपको ले चलते हैं रीवा के अन्य हिस्सों में और दिखाते हैं वहाँ पर किस तरीके का नज़ारा है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।